हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस पर्टिकुलर वीडियो में टोटल 10 एमसीक्यूज को डिस्कस किया जाएगा और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट इज नॉट यूज्ड इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें से वो कौन सा सॉल्वेंट है जो कि एनएमआर में यूज नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड, सेकेंड ऑप्शन ड्यूटेरियम ऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन CDCl3 एंड लास्ट ऑप्शन मिथेन। तो इसमें से कौन सा केमिकल है जो कि एनएमआर में एज ए सॉल्वेंट यूज नहीं होगा। इसके पीछे सिंपल सी थियरी है, एनएमआर में हम किसी भी सॉल्वेंट में हाइड्रोजन को अलाउ नहीं कर सकते, तो इसमें से वो कौन सा केमिकल कंपाउंड है जिसके अंदर हाइड्रोजन है, वो एक ही है, दैट इज मिथेन। तो मिथेन को हम एनएमआर में यूज नहीं कर सकते, बट CDCl3, ड्यूटेरियम ऑक्साइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये तीन कंपाउंड जनरली एज अ सॉल्वेंट की तरह एनएमआर में यूज होता है। अलग अलग सॉल्वेंट्स हैं, CDCl3, C6H6, DMSO। इसमें से CDCl3 जो है एक्चुअली इट इज अ क्लोरोफॉर्म, बट इसके अंदर हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस किया गया है। तो दीज आर दी मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्वेंट इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी विच आर हाईली अप्रोटिक इन नेचर, जिनके पास हाइड्रोजन बिल्कुल भी ना के बराबर होगा, क्योंकि एनएमआर में हम हाइड्रोजन को डिटेक्ट करते हैं, लेकिन हमें हाइड्रोजन डिटेक्ट करना है कंपाउंड का, ना कि सॉल्वेंट का। दैट्स व्हाई द सॉल्वेंट शुड बी अप्रोटिक इन नेचर। जब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन की, तो उसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे। न्यू इज इक्वल टू रो एच 0/2π, न्यू इज इक्वल टू रो एच 2π, और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इसमें से वो कौन सा इक्वेशन है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को एक्सप्लेन करता है, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। न्यू इज इक्वल टू गामा एच 0/2π। दिस इज द पर्टिकुलर इक्वेशन टू डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेफरेंस कंपाउंड कौन सा यूज होता है, इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि एनएमआर में जब हम एनालिसिस करेंगे तो वहां पे एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आता है, द रेफरेंस कंपाउंड, जिसका सिग्नल 0 ppm पे डिनोट किया जाता है और आइडेंटिफाई होता है। और वो कंपाउंड कौन सा हो सकता है, फर्स्ट टेट्रामिथाइल सिलेन, सेकेंड ट्राइमिथाइल सिलेन, थर्ड टेट्रामिथाइल स्ट्रॉन्टियम, लास्ट ट्राइमिथाइल स्ट्रॉन्टियम। इसमें से वो कौन सा कंपाउंड है जिसे हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एज अ रेफरेंस कंपाउंड की तरह यूज करते हैं, एंड द आंसर इज टेट्रामिथाइल सिलेन। ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी शील्डिंग दुनिया के किसी भी और कंपाउंड के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। स्ट्रक्चर वाइज ये कंपाउंड कुछ ऐसा दिखता है, इसके पास टोटल 12 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम है। ये चारों CH3 ग्रुप सेंटर वाले एटम को इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, जिसके कारण इस कंपाउंड के अराउंड एक हाई शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। तो रेफरेंस कंपाउंड जो कि एनएमआर में यूज होगा, उसका आंसर है टेट्रामिथाइल सिलेन, जिसके पास 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है जो कि एक इंटेंस सिग्नल देते हैं एट 0 ppm। बाकी के जितने भी सिग्नल्स आएंगे अदर कंपाउंड्स के, वो सारे डाउनफील्ड आते हैं। सबसे स्टैंडर्ड सिग्नल जो आता है वो आता है टेट्रामिथाइल सिलेन का। बेसिकली ये कंपाउंड केमिकली इनर्ट है, बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत लो है, बट दिस कंपाउंड इज नॉट सोल्यूबल इन एक्वस सोल्यूशन। अगर आपका कंपाउंड वाटर के अंदर सोल्यूबलाइज होता है, तो इस पर्टिकुलर रेफरेंस स्टैंडर्ड को उस कंपाउंड के साथ आप मिक्स नहीं कर सकते। तो फिर ऑप्शन क्या है, वो दूसरा कौन सा कंपाउंड है जिसे हम यूज करेंगे TMS के ऑल्टरनेटिव में फॉर वॉटर सोल्यूबल कंपाउंड। आंसर इज DSS, 2,2-dimethyl 2-silapentane 5-sulfonates। ये वो कंपाउंड है जिसे हम एज अ रेफरेंस कंपाउंड कैटेगरी में यूज करते हैं फॉर वॉटर सोल्यूबल कंपाउंड। अगर कोई कंपाउंड शील्डिंग इफेक्ट देता है, तो उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहां पे आएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शील्डिंग। अगर आपके प्रोटॉन के अराउंड बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो इसके कारण एक शील्ड क्रिएट होती है, और इस इफेक्ट को कहा जाता है शील्डिंग।
तो ऐसे शील्डिंग के कारण एब्सॉर्प्शन जो है एनएमआर में वो कहाँ पे शिफ्ट होगा? डाउन फील्ड, हाई फील्ड, अप फील्ड, लो फील्ड? आंसर इज अप फील्ड। जब भी कोई कंपाउंड शील्डिंग सबसे ज्यादा दिखाएगा उसकी रीडिंग टुवर्ड्स द टीएमएस आती है विच इज नियर टू जीरो, और इस इफेक्ट को कहा जाता है अप फील्ड। लेकिन जब होता है डी शील्डिंग तो वो जो रीडिंग्स है वो टीएमएस से दूर जाता है और उसे कहते हैं डाउन फील्ड इफेक्ट। तो यहाँ पे बोला है शील्डिंग, शील्डिंग मतलब हमेशा अप फील्ड, डी शील्डिंग मतलब डाउन फील्ड। तो ये दो डेफिनेशंस याद रख लेना। शील्डिंग में आपके सेंटर वाले प्रोटॉन में उसके अराउंड बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की क्राउडिंग है, लेकिन इन केस ऑफ डी शील्डिंग आपके प्रोटॉन के आजू बाजू में कोई तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है जिसके कारण शील्डिंग यहां से जा चुकी है। तो जब भी शील्डिंग होगा आपको रीडिंग्स टूवर्ड्स द टीएमएस आता है, जब डी शील्डिंग होगा रीडिंग्स आपको टीएमएस से अवे दिखेंगे। सो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था ऑप्शन सी। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस कब होता है? व्हेन रेडियो फ्रीक्वेंसी इज केप्ट कॉन्स्टेंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड इज वेरिड। व्हेन फ्रीक्वेंसी इज चेंज एंड स्ट्रेंथ केप्ट कॉन्स्टेंट, प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी इज केप्ट कॉन्स्टेंट एंड स्ट्रेंथ इज वेरिड। प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी इज वेरिड एंड स्ट्रेंथ इज केप्ट कॉन्स्टेंट। तो जब भी आप एनएमआर का एनालिसिस करेंगे याद रखना रेडियो फ्रीक्वेंसी को कॉन्स्टेंट रखना है, फील्ड को बदलना है। तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन है। फ्रीक्वेंसी आपकी कॉन्स्टेंट ही रहेगी, बस आपको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेन को बदलना है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्रोटॉन आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ इंटरैक्ट कर सके। तो इस सवाल का आंसर होना चाहिए था ऑप्शन ए। जनरली रेडियो फ्रीक्वेंसी के कारण कहीं पे भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस नहीं होती है, ना वाइब्रेशंस होती है ना रोटेशंस होती है, यहाँ पे सिर्फ जो स्पिन स्टेट है वो चेंज हो जाता है, यहाँ पे फ्लिप होता है स्पिन। अगर क्लॉकवाइज है तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इसे हम कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। जब आप एनएमआर में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को अप्लाई करेंगे तो इसका यूनिट क्या रहेगा? साइकल्स पर सेकेंड्स, गॉस, पल्स पर सेकेंड्स या डीबे? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ? और वो यूनिट है गॉस। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को अगर आप मेजर करेंगे तो उसे गॉस में मेजर किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट है टेस्ला, एंड 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10,000 गॉस। तो यूनिट वाइज एक आध क्वेश्चन आता है एग्जाम में, यूनिट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि यू में वेवलेंथ का यूनिट है नैनोमीटर, वैसे ही आईआर में वेव नंबर का यूनिट है सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये चीजें याद रखना क्योंकि यूनिट्स के रिगार्डिंग एक आध क्वेश्चन आ सकता है। इनमें से वो कौन सा कंपाउंड है जिसके पास हाईएस्ट केमिकल शिफ्ट वैल्यू है? मतलब इनमें से वो कौन सा कंपाउंड है जिसका डी शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये सारे कंपाउंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को यहाँ पे बेयर करता है। जैसे कि CH3 के पास आय है, दैट इज आयोडीन, CH3 के पास ब्रोमीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, लास्ट में क्लोरीन है। तो इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा डी शील्डिंग देगा जिससे कि हाईएस्ट केमिकल शिफ्ट वैल्यू मिले? जैसे कि हम जानते हैं फ्लोरीन इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब फ्लोरीन सबसे ज्यादा डी शील्ड होगा। इसका मतलब ये होगा इसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू जीरो से बहुत दूर होगी। तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। सो यहां पे आप देख सकते हैं केमिकल शिफ्ट वैल्यू वाइज ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है 2.68, वहीं पे क्लोरीन की है 3.05, फ्लोरीन की है 4.26 विच इज हाईएस्ट। तो जो कंपाउंड जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उसका जो शील्डिंग डी शील्डिंग का इफेक्ट है वो उतना ही ज्यादा होता है, स्पेशली अगर हम बात करते हैं डी शील्डिंग की। तो फ्लोरीन के कारण डी शील्डिंग सबसे ज्यादा होगा। स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल इन एनएमआर स्पेक्ट्रम इंडिकेट्स व्हाट? अगर आप एनएमआर का स्पेक्ट्रम देखेंगे उसके पीक्स ऐसे टूट जाते हैं, इसे आप क्या कहेंगे? नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट एनवायरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट ऑफ ईच काइंड ऑफ प्रोटॉन, रिलेटिव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ ईच,
नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन्स दिस है। जब भी एनएमआर में सिग्नल स्प्लिट होता है तो समझना है बाजू वाले हाइड्रोजन अलग है। सो आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, द नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन्स प्रेजेंट विच आर टोटली डिफरेंट। तो आपके आजू बाजू में कितने डिफरेंट टाइप्स के प्रोटॉन प्रेजेंट है वो आपको पता होने चाहिए, तो ही आप स्प्लिटिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट, क्विंटेट ऐसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो अगर आपका सिग्नल कुछ ऐसा है इसे कहेंगे सिंगलेट, अगर ऐसा है तो इसे कहते हैं डबलेट, इस केस को कहते हैं ट्रिपलेट, इस केस को कहेंगे क्वार्टेट। तो जितना पीक टूटता है उसके अकॉर्डिंगली उसका नॉमेनक्लेचर होगा। जब आपके पीक्स टूटते हैं तो इन पीक्स के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है और इसे कहते हैं कपलिंग कांस्टेंट। और इसे मेजर करने का यूनिट क्या है, साइकल्स पर सेकंड्स, हर्ट्ज, बोथ, नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज हर्ट्ज। जब आप कपलिंग कांस्टेंट को मेजर करते हैं उसे हर्ट्ज में मेजर किया जाता है, एंड हर्ट्ज इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पीक्स इन योर एनएमआर स्पेक्ट्रम। एनएमआर स्पेक्ट्रम में जो पीक्स टूट जाता है, जिनका स्प्लिटिंग होता है, उनके बीच में जो गैप है उसे हम कहेंगे कपलिंग कांस्टेंट। टेंथ क्वेश्चन, कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू डैश डैश, इट डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ, डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड, डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट यूज्ड। कपलिंग कांस्टेंट को मेजर कैसे करते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ। आप फील्ड स्ट्रेंथ को घटा दो, आप फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा दो, इसकी जो डिस्टेंस वैल्यू है, कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू जो है वो सेम ही रहेगी, वो बदलेगी नहीं। सो आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। तो आप चाहे फील्ड हाई यूज करो चाहे फील्ड लो यूज करो, ये जो वैल्यूज है ये कॉन्स्टेंट ही रहते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन बी। तो ये इस वीडियो के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें सीखने थे।